आजमगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जिसका इंतजार करीब एक साल से देश की जनता काफी बेसब्री के साथ कर रही थी। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद वाराणसी से स्वास्थ्य विभाग के वाहन से कोरोना वैक्सीन आजमगढ़ पहुंची, जहां जिला अस्पताल के अपर निदेशक स्वास्थ्य कार्यालय के समीप बनाए गए कोल्ड चेन सेंटर में वैक्सीन का बॉक्स उतारा गया। बताते चले कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने विधिवत फीता काटकर कोरोना वैक्सीन का बॉक्स उतरवाया। सीएमओ ने बताया कि जनपद आजमगढ़, मऊ और बलिया की वैक्सीन एक ही वाहन में आई है। आजमगढ़ के लिए 19,320 कोरोना वैक्सीन डोज मिली। पहले चरण में 16 जनवरी को आजमगढ़ के 4 सेंटर, जिला महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में 400 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। सर, यहाँ पे कितना वैक्सीन आया है? आजमगढ़ जनपद के लिए वाराणसी से वैक्सीन वाहन के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुझे 19,320 डोज मिला है कोरोना वैक्सीन का। कल जो है हमारे जनपद में 4 सेशन होगा। जिला महिला चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज, 4 जगह 400 लोगों को कल फर्स्ट फेज में 16 तारीख को वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन को यहाँ हमारे जिला स्तरीय कोरोना का स्टोर है, उसके ILR में +2 से +8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रख दिया गया है, और यहाँ से कल 15 तारीख को तीन वाहनों के द्वारा, एक वाहन बिलरियागंज के लिए, एक लालगंज और एक जो है कोल्हूखोर, ये वैक्सीन हमारा कल पहुंच जाएगा। और परसों जो है सुबह जिला महिला चिकित्सालय पहुंच जाएगा और कोल्हूखोर से राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर 16 तारीख को सुबह वैक्सीन जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग से कैसे की जाएगी सर? इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी सर? नहीं, वैक्सीन की जी, वैक्सीन जैसा कि आप देखे होंगे कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था में वैक्सीन आई है, और हमारी वैक्सीन वाहन में आजम मऊ जनपद एवं बलिया जनपद की ही वैक्सीन आई है। अभी हमको 19,320 डोज यहाँ देने के बाद वैक्सीन वाहन हमारा मऊ चला गया है, वहाँ सिक्योरिटी में जाएगा, फिर वहाँ से बलिया जाएगा। सर, पहले चरण में किसको किसको लगाया जाएगा? पहले चरण में हमारे जो प्री रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर हैं लगभग 17,000, उनको वैक्सीन लगेगा। लेकिन अभी 16 तारीख को केवल उसमें से 400 लोगों को ही लगेगा। जैसा कि हमने बताया कि जिला महिला चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में।